नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं परहार टाइम। जैसा कि आपको पता है कि मुमरा शहर में कब्रिस्तान का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, जिसको लेकर MIM की ओर से यहां पे 22 फरवरी को यहां पे सुबह में कलेक्टर हाउस तक पैदल मार्च का ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस परमिशन ना होने की वजह से MIM के सिर्फ एक ही जो जिम्मेदार है वसीम सैयद को परमिशन मिला है कि वो सिर्फ यहाँ से अपनी पद यात्रा कलेक्टर हाउस तक निकालेंगे। आज आपकी जो पद यात्रा शुरू हुई है पैदल, इस बारे में आप बताइए। ये 9 साल से जो मुमरा को कब्रिस्तान के नाम पर धोखा दिया जा रहा है और जिसके सब्र का पैमाना जो है वो अब छलक उठा। पिछले 2011 से गवर्नमेंट की तरफ से गजेटेड नोटिफिकेशन के साथ एक ऐलान हुआ और कब्रिस्तान की जगह अलॉट कर दी गई। अब जब कब्रिस्तान की जगह अलॉट हो गई तो यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर, जिनको इस बात का इल्म था कि थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ठहराव पास हो चुका है और उसका गजेटेड नोटिफिकेशन निकल चुका है, तो यहाँ के आमदार के कहने पर उन लोगों ने जिस जगह पर कब्रिस्तान अलॉट किया गया वहाँ से हटाकर, अब वो हटाने की वजह ये रही कि वहाँ पीछे किसी एक बिल्डर का जो है वो वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आने वाला, तो वहाँ से हटाकर आपने दूसरी जगह दे दिया। अगर आपको दूसरी जगह कब्रिस्तान देना ही है, हमको कब्रिस्तान से मतलब है, लेकिन अगर आप हमारा स्लॉटर हाउस छीन लोगे, आज जो है स्लॉटर हाउस जो है वो मुमरा के लिए एक रोजगार का जरिया बनेगा। आप समझ लीजिए एक बात को कि देवनार में अगर 1,00,000 लोग देवनार में उस स्लॉटर हाउस से नौकरी पर हैं तो मुमरा में कम से कम 50,000 लोगों को नौकरी मिलती। तो ये एक तरीके से एक साजिश बनाएगी कि मुमरा के रोजगार को छीना जाए, और इस रोजगार को छीनने के खिलाफ और कब्रिस्तान जिस जगह पर अलॉट किया उसी जगह मिलने के लिए ये मैं पद यात्रा यहाँ से निकला हूँ। ये आपने देखा कि जहाँ से उनकी जो पद यात्रा शुरू की गई थी अमर होटल के पास है, वहाँ से अभी तक जगह जगह हर नुक्कड़ पे हर नाके पे वसीम सैयद का यहाँ पे बड़ी खुश उसके साथ उनका सत्कार किया जा रहा है। आज जो वसीम भाई ने जो पद यात्रा पैदल निकाले हैं तो उसमें क्या एक आप पार्टी की हैसियत से या मुमरा शहरी होने के नाते आपने उनका यहाँ पे? ऐसा नहीं है, ये जो है मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा कि हमारे शहर का एक नौजवान लड़का कोई अच्छे मकसद के हिसाब से जा रहा है, तो एक अपना वो बनता है कि ठीक है लड़ाई तो है हमारी, समझा ना, हमारी लड़ाई होते रहेगी, लेकिन एक इंसानियत के नाते है कि आदमी को मुबारकबाद देने में ज़्यादा हर्ज क्या है। पिछले कुछ 2-3 दिन पहले ही अवार्ड साहब जो जहाँ कब्रिस्तान की भरनी का काम चल रहा है वहाँ पे वो आए थे और उन्होंने बताया कि 2 से 2.5 एकड़ भरनी का काम शुरू हो गया है, उसके बावजूद ये काम वहाँ चल रहा है और यहाँ पद यात्रा है। मुझे कुछ नहीं मालूम, चूँकि जो कब्रिस्तान है मैं कभी वहाँ गया भी नहीं। मेरा एक कब्रिस्तान है जो हमारे ख़ानदान ने दौसा के लोगों के लिए खाजगी रकम से साफ पैसे से खरीद के दिया है, वो जल्दी शुरू होने वाला है। तो आप नहीं चाहते कि आप पार्टी में इसके एक बैठक लगे, इस मामले को हल करें कि क्या उसका अपडेट क्या है लास्ट? नहीं, पार्टी ऐसे इश्यूज में मेरे को नहीं पूछती, क्योंकि मालूम मैं फेयर आदमी हूँ ना, तो जो सच रहता वही बोलता हूँ। तो सच सीनियर लीडर को इतना पार्टी नज़रअंदाज करी, क्या वजह से? मैं ये बात कह रहा हूँ ना कि मुझसे बात करने के लिए सच की ज़रूरत पड़ती है, और जब सब नौटंकी चलती तो मुझे उस पर बात करने में मज़ा भी नहीं। पार्टी में मुमरा में जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसमें सच बोलने वाला कोई नहीं है? नहीं, पसंद भी नहीं किया जाता शायद। अच्छा, यानी कि जो सच बोलेगा वो पार्टी के बाहर रहेगा? नहीं, पार्टी के बाहर कौन निकाल सकता शरद पवार के अलावा, ऐसा नहीं है। हम भावना को ढूंढ रहे कि ये भावना आई थी तो साथ में, लेकिन गई कहाँ पर? आप, मैं बताना चाहता हूँ, जो वसीम साहब ने अपने कंधों पर जो बोझ लिया है ये बोझ हम उतारेंगे, ये जनता, मुमरा की जनता उतारेगी। ये जब हमको एक होना पड़ेगा, शायद आज उसकी चिंगारी जल चुकी है, अब आग लगनी बाकी है।
तरीके से शहर में यहाँ पे जो विधायक द्वारा ये जो मुद्दा है ये बिल्कुल मुझे पता चला। पेपर देखे कि एक जो भूखंड है उसके ऊपर कब्रिस्तान ऑलरेडी रिजर्व किया गया है, तो वहाँ पे न करते हुए इसको डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरी जगह, और जहाँ पे ऑलरेडी स्लॉटर हाउस है, तुम्हारा गर्ल्स हॉस्टल है, आईटी पार्क है, लेकिन यहाँ पे डाइवर्ट करने में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ी डील शायद हुई है करोड़ों रुपए में, जिसकी वजह से लोग इतना इसको, क्योंकि ये कौन कर रहा है इस तरह की डील? अभी वहाँ पे जो डील करने वाले लोग हैं उनको जनता जानती है, वहाँ पे जो मतलब लेवल के लोग हैं, जिन लोग के हाथ में सब ये जो मुद्दे हैं या भूखंड को यहाँ वहाँ करना है वो लोग होंगे, वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन इतना है कि कुछ ना कुछ तो तिनका है, दाल में काला है, तभी ये सब हो रहा है। अगर ये इसमें ताकीर होती है हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो हिमाचल का अगला कदम क्या? जिस तरीके से आज हम लोग सब मिलकर यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, उसी तरीके से हम और एक महीना देखेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि फॉलो अप लेते हुए इसके अंदर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है उसकी पूरी मालूमात लेंगे। अगर हमें कहीं भी लगा कि हमारे साथ फिर से खिलवाड़ किया जा रहा है तो आने वाला आंदोलन बहुत ही शिद्दत के साथ। यहाँ पे जो वसीम सैयद की मुमरा स्टेशन से जो पदयात्रा यहाँ पे शुरू की गई थी कलेक्टर हाउस में, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे उनको निवेदन दे दिया है, और यहाँ के जो अपर जिला अधिकारी अनिल पवार से मिलकर उन्होंने निवेदन किया है, और आगे उन्होंने कहा है कि वो आगे इस जो मेमोरेंडम दिया गया उसको आगे वो फॉरवर्ड करेंगे। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।